मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। आज हमारी HSSC की 59वीं क्लास हिंदी में हमारा टॉपिक संज्ञा, संज्ञा का अध्ययन हमने कर लिया है। मैंने बताया था कि संज्ञा में तीन प्रकार के विकार होते हैं। सबसे पहला लिंग और फिर वचन और तीसरा विकार है कारक। हमने लिंग के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वचन। देखो वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो एक वचन होता है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ एक सिलेक्टेड शब्दांश है, शब्दांश भी कह सकते हो, जो सदैव एक वचन या बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। देखो एक वचन में वर्ग है, जनता, ठीक है, सेना, वर्षा, अग्नि, जल, उसके बाद इसमें आता है गण और जितनी भी धातुएं हैं ये सभी एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक इसमें एक शब्द आता है प्रजा, प्रजा भी एक वचन होता है। ये सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिंगुलर नाउन या एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ एक सिलेक्टेड बहुवचन शब्द हैं, जैसे एक तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग, केस, एक शब्द है भाग्य शब्द है प्रारब्ध, भाग्य भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। केस, रोम, ठीक है, समाचार शब्द है, और इसके बाद मैं और हम, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। और एक विशेष बात, जब हम किसी वाक्य में किसी का सम्मान प्रकट करते हैं, जब किसी का सम्मान किया जाता है वह वाक्य हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी वीर थे, तो यहां ये वाक्य बहुवचन का है। जब किसी का सम्मान किया जाता है तो वे सेंटेंस हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आशीर्वाद, अष्टाक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोक, केस, भाग्य, रोम, समाचार, मैं, हम, ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन सेम होता है, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन सेम होता है, ठीक है, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, उनका कोई बहुवचन नहीं बनता। मोटी बात यह है, जैसे मामा मामी है, ठीक है, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। उसके बाद में दादा दादी है, उसके बाद में नाना नानी है, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। इसके बाद में बुआ फूफा है, और भी कई शब्द है जिनका बहुवचन नहीं बनता। ये एक वचन और बहुवचन में सेम प्रयुक्त होते हैं। एक आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, निम्न में से कोई शब्द देंगे कि इसका बहुवचन रूप क्या होगा, ऐसे पूछेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे भाई है, ठीक है, घर है, शहर है, इनका याद रखना है। इनका जब भी बहुवचन पूछे तो भाई का भाई भाई होता है, घर का पूछे तो घर घर होता है, ये बहुवचन होता है, शहर का शहर शहर होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनमें गण लगा करके बहुवचन बनाते हैं, जैसे विद्यार्थी है, ठीक है,
विद्यार्थी का होकर जो बहुवचन बनाएंगे विद्यार्थी गण, उसके बाद अध्यापक का भी अध्यापक गण बनेगा, ठीक है, कवि का भी कवि गण बनेगा, लेखक का भी लेखक गण बनेगा और व्यापारी का भी व्यापारी गण बनेगा। ये ध्यान रखना है, इनका जब बहुवचन बनाओगे तो गण का प्रयोग करते हैं, अध्यापक गण, कवि गण, लेखक गण, तो गण लगाते हैं। एक मित्र, मित्र का जब बहुवचन बनाओगे तो मित्रजन होता है, मित्रजन होता है, ठीक है। और सेना का यदि बहुवचन बनाओगे, ये अभियान में आते हैं हमेशा, सेना का बहुवचन बनाओगे सेना दल होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ एक कर्मचारी और होता है, कर्मचारी का जब बहुवचन बनाओगे तो कर्मचारी गण होता है, मित्र का बनाओगे मित्र जन होता है, उसके बाद सेना का बनाओगे सेना दल होता है, ठीक है। एक पक्षी का आता है कई बार, पक्षी का बहुवचन बनाओ तो पक्षी का तुम्हें बहुवचन बनाना है पक्षी वृंद होता है। उसके बाद यदि दलित का, कई बार पूछते हैं दलित का बहुवचन क्या होगा, तो जो दलित का बहुवचन बनाओगे तो ऑप्शन में मिलेगा आपको दलित समाज, दलित का बहुवचन बनेगा दलित समाज। तो ये कुछ एक है जो सिलेक्टेड है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ये एक वचन शब्द है, ये बहुवचन शब्द है, सम्मान हमेशा बहुवचन में प्रकट होता है। उसके बाद मित्र का बहुवचन मित्रजन, सेना का सेना दल, भाई का भाई भाई होता है, घर का घर घर होता है, शहर का शहर शहर होता है, विद्यार्थी अध्यापक कवि लेखक व्यापारी और कर्मचारी, इनका बहुवचन गण से लगाते हैं, विद्यार्थी गण, अध्यापक गण, कवि गण, ठीक है। एक आपका यदि बहुवचन पूछते हैं, आपका बहुवचन, तो आपको याद रखना है आप लोग होता है, आप लोग, ये बहुवचन होता है। पक्षी का पक्षी वृंद होता है, दलित का दलित समाज होता है, ठीक है, सेना का सेना दल होता है। तो ये लगभग सिलेक्टेड बता दिया आपको। वचन, वचन संज्ञा में तीन प्रकार के विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। लिंग का हमने अध्ययन कर लिया था, आज मैंने वचन का बता दिया। कंपटीशन लेवल में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता।